JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स भामाशाह मार्ग गांधी चौक सुजानगढ़। वैशाली साड़ी सगाई शादी त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ लहंगा चुन्नी वैशाली साड़ीज घंटाघर के पास सुजानगढ़। जय माता जी की भक्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक आपका KDH राजस्थान में सर्वप्रथम स्वागत करता हूँ। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और आज एक खास ऐतिहासिक मंदिर राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से एक, हजारों साल पुराने इस खास माता जी के मंदिर के आपको दर्शन करवाऊंगा और खास जानकारी भी आप तक लेकर के आऊंगा। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जो कि प्राचीन और माता जी के स्वरूप की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई जगदम्बे भवानी की और यह गोठ मांगलोद ददीमती माता मंदिर के का प्रवेश द्वार यहाँ पर भव्य और ये मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और जो कि हमारी प्राचीन शैली है वही शैली का पत्थर की शिल्पकला का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है और बहुत सजा धजा स्वरूप अंदर नज़र आ रहा है क्योंकि अभी जो है नवरात्र। और यह मंदिर में प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही छत्रपाल जी का मंदिर भैरव महाराज का, ये देखिए किस तरह से कतारों में श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें माता जी के दर्शनों में लगी हुई है। गर्भगृह वो स्थान माता जी का जहाँ पर माता जी विराजमान हैं, बड़ी श्रद्धा भावना और भक्ति के साथ लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं और यह माता जी के वो दर्शन जिनके दर्शनों के लिए लगातार लोग यहाँ पहुँचते हैं और यह वो स्थान जहाँ पर माता जी विराजमान है। और ये कैंप का उद्घाटन किया जा रहा है, कैंप की शुभारंभ किया जा रहा है दधीमती माता मंदिर के पुजारी जी के द्वारा। माता जी की पूजा अर्चना के साथ यहाँ DITF कैंप की शुभारंभ किया गया है, तिलकार्चन किया जा रहा है पुजारी जी के द्वारा डॉक्टर महेश जी मिश्रा का और तिलकार्चन किया जा रहा है CA देवेश दी धाधीज का जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट है DITF के। और सभी डॉक्टर्स का तिलकार्चन किया जा रहा है, स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और यहाँ पर जो सेवाएं यहाँ पर इस मेडिकल कैंप में फ्री हेल्थ चेकअप जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, फ्री चेकअप लगाया गया है उसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ विधिवत किया गया है। और यह महिला प्रकोष्ठ के चंदा जी सूठवाल जिनका तिलकार्चन करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मेडिकल कैंप का शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ होने के साथ ही सबसे पहले माता जी का यह पूजा अर्चना की गई और डॉक्टर्स को तिलक किया गया। अब महिला विंग की जो भी सदस्य हैं उनका तिलकार्चन किया जा रहा है, श्रीमती गीता जी और श्रीमती चंदा जी सूठवाल, श्रीमती डॉक्टर किरण जी धादीज, डॉक्टर सुलोचना जी, प्रियंका जी शर्मा सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं महिला विंग के। धादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जो कि यहां पर शुरू हो चुका है आज सप्तमी के दिवस और जो ही शुरू हुआ है उसके साथ ही यहाँ पर भारी संख्या में उत्साह जो है महिलाओं में पुरुषों में देखने को मिल रहा है। सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, BP शुगर वगैरह की यहाँ पर तुरंत जांच की जा रही है और हेल्थ एडवाइज़ यहाँ पर दी जा रही है। अनेक डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। दाधीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के द्वारा यहाँ गोठ मांगलोद मंदिर में आज यहाँ सप्तमी के दिवस यहाँ पर मेडिकल कैंप फ्री लगाया गया है और जिसका शुभारंभ अभी भी किया गया पुजारी जी के द्वारा। थोड़ी सी सुभाषिश वचन लेते हैं, क्या कहेंगे महेश जी पुजारी यहाँ पर पहुँचे हैं जो इन्होंने पूजा अर्चना की, क्या कहेंगे इस खास कार्यक्रम के लिए? बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आगे दिन रात चौगुना बढ़े और आपको सबको पुजारी जी और माता जी की तरफ से आशीर्वाद है। आपको बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो सब डॉक्टरों को माता जी और मेरे तरफ से आशीर्वाद है, सबके दिन रात दिन चौगुना हो इनको और आगे ज़्यादा ज़्यादा अनुभव हो इनको और जो की सेवा करें। जो खास यहाँ पर इस कैंप को लेकर के आए हैं देवेश जी धादी CA साहब, उनके लिए क्या कहेंगे जो जिन्होंने ये सोच बनाई है और लोगों को इकट्ठा किया? इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इस एरिया के मायने ऐसा काम पहले हुआ नहीं, अब होगा, बहुत इनको धन्यवाद।
और यहाँ माता जी के गोठ मांगलोद दधिमती माता मंदिर के मंदिर में प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही आज यहाँ पर मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है दाधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के द्वारा। यहाँ पर सीए देवेश जी दाधीच जो कि उसके फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप का एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है प्रवेश करते ही, और जो ही शुरू हुआ है एक भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अनेक डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें डॉक्टर महेश मिश्रा मौजूद हैं, डॉक्टर एमएम मिश्रा मौजूद हैं, डॉक्टर कविता दाधीज, डॉक्टर कमलेश मिश्रा, डॉक्टर आरती मिश्रा, डॉक्टर नंद किशोर जी और डॉक्टर प्रतिभा दाधीज। इस तरह से कुल यहाँ पर 7 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ पर निःशुल्क रूप से यहाँ पर दे रहे हैं। और ये फ्री हेल्थ चेकअप का यहाँ पर कैंप लगा हुआ है दाधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें अनेक डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी जा रही है पेशेंट का, और डॉक्टर एमएम मिश्रा जो हैं वो भी पेशेंट के साथ उनको सलाह दे रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। मेडिकल कैंप शुरू हो चुका है। डॉक्टर कमलेश मिश्रा पेशेंट के साथ जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं उन्हें परामर्श दे रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप की शुरुआत हो चुकी है और चंदा जी सूठवाल जो खुद यहाँ पर जो महिला जो और भी कार्यकर्ता हैं जो सभी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले दधिमती मात को कुल देवी को हमारा प्रणाम नमन। देवेश जी को और उनकी टीम को मैं इतना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि देवेश जी ने ये कैंप तो लगाया है लेकिन इसके अलावा देश विदेश छोटे छोटे गांव में भी पहुँचे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बाहर लाए हैं। इनका हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है कि सारी कार्यकर्णियाँ जो भी होती है कार्य होता है वो आप हमेशा छोटे से छोटे प्रोग्राम हो तो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। और दूसरा आज हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं चेन्नई से हूँ, कलकत्ता से है, हैदराबाद से है, गोरखपुर से है, बनारस से है, सब देश विदेश से आए हुए हैं और हम सबका एक ही बात है कि सारी की सारी कार्यकर्ताओं को महिला शक्ति को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी टीम एक बार का बहुत बहुत धन्यवाद करती है देवेश जी और उनके टीम का। और दूसरी बात, ये इतना सहयोग वाला है कि आप कोई भी देखो, हर कोई इंग्लिश दवाई नहीं मानता, हर कोई घर की दवाई नहीं मानता है, तो दोनों भी यहाँ पे सारे कैंप लगे हैं, आयुर्वेदिक सिद्धा वैद्या और वो सारे लगे हुए हैं। सबसे नम्र निवेदन है कि सब अपना चेकअप भी कराएं और यहाँ पे स्कैनर है तो यूट्यूब सब्सक्राइब भी करें। और देवेश जी को बहुत बहुत आशीष, माँ मातेश्वरी और हम सभी महिला शक्ति की तरफ से दिन दुगनी रात चौगुनी हो और मातृशक्ति को हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, यही हमारी मनोकामना है। जय दादीश, जय माता दी। DITF का फ्री हेल्थ चेकअप का मेडिकल कैंप शुरू हो चुका है और लोग अपने हेल्थ का चेकअप करवा रहे हैं। और आने वाले सभी श्रद्धालु जो अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं वो अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं। डॉक्टर्स अपने कार्य में जुटे हुए हैं और देवेश जी दाधीच जो कि DITF के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, MDM आयुर्वेदा क्लिनिक और रिसर्च सेंटर के द्वारा भी यहां पर कैंप लगाया हुआ है और एडवाइस दे रहे हैं और साथ ही जो है आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर महेश जी मिश्रा यहां पर पहुंचे हुए हैं जो खुद यहां पर फ्री अपनी डॉक्टर सेवाएँ दे रहे हैं और सभी फ्री हेल्थ चेकअप का लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर्स के पास ये देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। लगातार हेल्थ एडवाइस लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दाधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के द्वारा यहां पर पहुंचने वाले सभी का फ्री हेल्थ चेकअप यहां पर किया जा रहा है। डॉक्टर्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आने वाले सभी पेशेंट्स का BP
और हेल्थ चेकअप फ्री किया जा रहा है। एमडीएम एमए आयुर्वेदिक कैंप लगाए गए हैं, निःशुल्क चिकित्सा है, कितना उसका फायदा उठाए। और एमडीएम आयुर्वेदा की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप के साथ साथ जो है आयुर्वेदिक दवाएं भी दी जा रही है। आने वाले सभी श्रद्धालुओं का यहां पर हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। तुरंत कार्यालय या पुलिस प्रशासन को सूचना दें। किसी भी प्रकार की जो यहां पर विजिटर पहुंच रहे हैं, माता जी के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और यहां इस मेडिकल कैंप की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लोगों से थोड़ा परिचय लेते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा नाम परिचय बताएं। मैं श्री प्रकाश आसोपा सुजानगढ़ दजी समाज उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर ये कार्यक्रम मेडिकल कैंप रखा गया है सभी के लिए? दजीच इंटरनेशनल टेड फाउंडेशन बहुत अच्छी संस्था है, ये जगह जगह पे जाके अपने मेडिकल कैंप लगा रही है, जिससे उस जहाँ भी लगा रही है वहाँ के पुरुष वर्ग को, महिला वर्ग को, बच्चों को, सबको लाभ मिल रहा है और सब अपने चेकअप फ्री में करवा रहे हैं। और ये इंटरनेशनल संस्था है, इससे सभी युवा जुड़े हुए हैं और अभी भी इसमें कम से कम सब लोग बैठे हुए हैं, मेडिकल अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके जो फाउंडर हैं देवेश जी दादीच, उनको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये देखिए लगातार यहां पर कैंप के शुरू होने के साथ ही जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और इस फ्री हेल्थ चेकअप का जो है लाभ ले रहे हैं और लगातार यहां पर जो सेवाएं भी दे रहे हैं और चेकअप भी करवा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। नीता जी यहां पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे जो ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है हेल्थ इज वेल्थ के लेकर? मैं अपने कार्यक्रम को छोड़ के यहां आई हूं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने शुरू भी कर दिया है, मैंने अपना ट्रीटमेंट या शुरुआत भी कर दी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी बहनें का सहयोग आपके साथ में रहेगा। जय माता जी। दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन जो DTIF है उसके द्वारा ये मेडिकल कैंप तो यहाँ चल रहा है बल्कि और भी अनेक जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, सामाजिक प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जाते हैं। और एक ऐसा ही कार्यक्रम बॉम्बे में आयोजित हुआ सुर संगम, जिसमें विशेष योगदान देने वाले जितेंद्र जी दादीज मेरे साथ में, क्या कहेंगे इस संस्था के बारे में? ये जो संस्थान है DITF और जो हमारी टीम है, जैसे जहाँ से भी जुड़ते जा रहे हैं जो भी दादीच बंधु है, और इसमें विशेष योगदान देवेश जी दादीच, इनका ये शुरू किया हुआ है, फिर हम सब इसमें जुड़ते गए और अभी भी बहुत सारे दादीच बंधु उसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एक दादीच समाज के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें हर तरह के जो टैलेंट्स हैं और हर तरह की जो प्रतिभाएँ हैं, चाहे वो मेडिकल में हों, चाहे वो संगीत वगैरह में हों या फिर शिक्षा में हो, इसके अलावा क्रिकेट संबंधी भी कई एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो हर तरह की ओवरऑल एक्टिविटीज़ ओवरऑल अगर हम देखें तो हर फील्ड में जो भी टैलेंट है समाज में उसको एक उभारने का काम DITF कर रहा है। और अनुमान है कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों को लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। और जिन्होंने अभी अभी अपना चेकअप करवाया उनसे थोड़ा परिचय लेते हैं, क्या नाम, कहाँ से? गणेश हरसोड़िया, नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, माता जी के दर्शन आपने किए? हाँ, दर्शन। फिर आपने यहाँ चेकअप करवाया, क्या चेकअप करवाया? बीपी शुगर चेक किया है मैंने, दोनों भी नॉर्मल है, अच्छी है, व्यवस्था अच्छी की हुई है इन्होंने। तो आपको कोई डाउट हो रहा था इसीलिए आपने चेक करवा लिया? हाँ, थोड़ा वो चेक रूटीन चेकअप के हिसाब से चेक कर लिया अपन ने भी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे DITF जो ये काम कर रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, देवी जी को बहुत बहुत, जितना उनका ये करते हैं आभार प्रकट उतना कम है उनके लिए। तो क्या नाम आपका? मैं गोपाल दायमा करके बोलता हूँ, महाराष्ट्र में जलगांव जिला 40 गांव में मैंने पहली बार चेक किया है सर, मेरे 71 ईयर एज है। ये अच्छा जो है, आजकल मेडिकल इसमें जो ये होता है उस पर मेरा विश्वास नहीं, मुझे चिटिंग और पेशेंट का लूटमार बोलते उसको करते, डर पैदा करते, इसलिए मैं कभी आज तक के कोई गोली खाया नहीं मैंने आज तक के। रोज़ मॉर्निंग वॉक वगैरह घूमता हूँ, स्वास्थ्य अच्छा मेंटेन रखता हूँ। ये बहुत अच्छी सुविधा है, ये लोगों को इसमें
मेडिकल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये माध्यम से प्रचार हो अच्छा, और समाज के जो नीचे वर्ग है उसके लिए सपोर्ट बहुत अच्छा उपक्रम है। मेरे को बहुत समाधान उसमें ऐसा, मैं वैसा राजनीति में चले जाओ महाराष्ट्र से शिवसेना का। और लगातार यहाँ पर ये देखिए लोग पहुँच रहे हैं और इस फ्री हेल्थ चेकअप का लाभ ले रहे हैं। DITF के द्वारा आयोजित ये फ्री मेडिकल चेकअप का जो लोग यहाँ पर जब से शुरू हुआ है सैकड़ों लोग यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो सेवाएं दे रहे हैं, मुरली मनोहर जी मिश्रा मेरे साथ में हैं। सर, किस तरह का ये एक प्रयास है, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार आप भी लोगों को चेक कर रहे हैं, किस तरह का प्रयास ये कहेंगे आप दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन का? DITF के ओर से ये अच्छा प्रयास किया जा रहा है, इससे हम जनरल हेल्थ चेकअप की सुविधाएँ दे रहे हैं। जैसे सामान्य प्रॉब्लम है BP शुगर है तो प्राइमरी लेवल पे उसका पता लगाया जा सके ताकि उनको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ लग रहा है तो उनको हम मेडिसिन लिख रहे हैं, और अगर आगे दिखाने के लिए ज़रूरत है तो उनको हम प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं कि आप आगे दिखाइए, ये दवाई रेगुलर लीजिए। हेल्थ से रिलेटेड भी बता रहे हैं, एक्सरसाइज करना और करना, इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। फ्री मेडिकल कैंप में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स जो लगातार यहां पर आने वाले जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको अपनी एडवाइस दे रहे हैं। डॉक्टर आरती मिश्रा मेरे साथ में, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में यहां पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, क्या कहेंगे मैडम जो लोग यहां पर पहुँच रहे हैं और किस तरह की जो एक लाभ लोगों को मिल रहा है? यहां पर देखिए, अपने जैसे नेक पेन है, शोल्डर पेन है, मेरा उनका काम है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं उसके लिए दर्द ठीक करने का मेरा काम है। मैं दवाई नहीं देती हूँ, मेडिसिन के बिना दर्द ठीक करती हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेरे को आके, पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनको फ्री में मिल रहा है ये लाभ, बहुत अच्छी बात है। और बाकी सारे डॉक्टर्स भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं सब। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें फ्री में सलाह दी जा रही है, मेडिकल कैंप लगातार चल रहा है। सभी का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और यहाँ पर जो पेशेंट, जो भी लोग पहुँच रहे हैं चेकअप के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, उनके फ़ोन नंबर वगैरह लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें आगे भी जो है सलाह दी जा सके। और यहाँ पर विशाखा जी दायमा जो रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, नाम, एड्रेस और नंबर, फिर से भी उन्हें अगर उन सफ़र करने की, हाँ, तो वो वापस आके ताकि हमसे कांटेक्ट, नेक्स्ट टाइम उनको और अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके हम लोग। डॉक्टर प्रतिभा जी दाधीज जो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं निःशुल्क रूप से, और नेचुरोपैथी आप जयपुर से हैं, क्या कहेंगे इस तरह का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, लोगों के हेल्थ चेकअप भी मिल रहा है और आप सलाह दे रहे हैं, कितना उत्साह? यहाँ उत्साह तो बहुत है, लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, हम उनका निदान भी करते हैं कि हाँ चलो ऐसे करना चाहिए, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग कैसे क्या करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है कि आने वाले आते हैं, जो अपनी इलाज भी करवाते हैं, देखते करते हैं कि हाँ, एक धादी समाज में ये भी है कि ये आयुर्वेदिक का भी, नेचुरोपैथी का, सारे जो चिकित्सक है उनका सबका कि भी हाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे इलाज होता है, उनको ये भी मालूम होना चाहिए। नेचुरोपैथी में अभी तो एडवाइस दे रही हूँ, वैसे तो इसकी थेरेपियाँ होती है, गीली मिट्टी है, गीली पट्टी है, पानी के है, कलर्स होते हैं पानी के, और इसमें हम पंचकर्म का भी काम करते हैं, नेति है और सब चीज़ है, शिरोधारा, ये सब चीज़ें। और इसी तरह से डॉक्टर नंदकिशोर जी जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आयुर्वेद पद्धति से जो लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और उनको सलाह दे रहे हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आपने किस तरह से जो पेशेंट जो आ रहे हैं उनको किस तरह से सलाह दे रहे हैं और किस तरह का ये कार्यक्रम? सर, आयुर्वेदिक से मैं हूँ डॉक्टर नंदकिशोर दातीज। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि हमारे की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है सर। हर आदमी आज BP से ग्रसित है, थायराइड से ग्रसित है, शुगर से ग्रसित है, ये तीन बीमारी ऐसी कि हर घर में घुस चुकी है। और उसका इलाज अपन देखा जाए तो कोई मतलब एक चीज़ कि आदमी मेंटेन करके चल रहा है, बस BP है उसको, दिमाग में ये फीड हो गया कि मुझे ज़िंदगी भर दवाई लेनी, ये थायराइड के साथ है, ये शुगर के साथ में, शुगर की ये स्थिति है कि दवाई लेती रहो, शुगर बढ़ता जाता है, आदमी पहले टेबलेट्स पर आता है फिर इंसुलिन पर चला जाता है। तो मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा आम पब्लिक को कि आप जो हमारे, हम जब भी जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिस मौसम ने, जिस प्रकृति ने हमको दिया है, उस चीज़ का सबसे ज़्यादा सेवन करें, हमारा अच्छा खान पान रहे। हम अपने आज सब अपने एक्सरसाइज को, योगा को, फिजिकल एक्टिविटी को सारे भूल चुके हैं, सारे हम केमिकल्स, पैरासाइट्स, इनको सारे यूज में ले रहे हैं, तो उसके सारे दुष्परिणाम अपन सब देख ही रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम में आप किस तरह की जो सलाह दे रहे हैं लोग आपके पास?
बड़ा उत्साह है। देश विदेश से काफ़ी लोग हैं। अभी मेरे साथ में एक बंगाल से पेशेंट था, एक हरियाणा से पेशेंट था, ये दो भी अदर स्टेट के जो पेशेंट है वो लोग आए हैं यहाँ पे। जो हम हमारे पास जो मेडिसिन है उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं। यहाँ पे एक लेवल बीपी जांच है, शुगर जांच है, वो दिए जा रही हैं, और जो भी हमसे जो सेवाएं बन पड़ी वो सारी चिकित्सा दे रहे हैं। डॉक्टर कमलेश जी मिश्रा जो कि यहाँ पर MD आयुर्वेद सीकर से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? लगातार जो पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह की सेवाएं आप लोगों को दे रहे हैं? अभी यहाँ माता जी के दरबार में काफ़ी यात्रीगण आए हुए हैं, जो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि शुगर और डायबिटीज़ प्लस BP प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो उनके लिए हम पूरी तरह से एडवाइस करें, जाँच करें, फ्री में ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, BP चेक कर रहे हैं, और उनकी मेडिसिन है जो भी है, इसके अलावा जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिस अनुसार जो भी चाहिए वो हम उनको एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पर। और इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे जो कि जो DITF के DITF संस्था के संस्थापक डॉक्टर देवेश जी दादी जैसी हैं, जो बॉम्बे से फाउंडर हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी पुरानी संस्था चल रही है इनकी, आगे भी इनका अच्छा योगदान रहेगा माता के दरबार में। तो कितने लोग जैसे अंदाजे से अभी तक आ चुके हैं? अभी तक मैं 50 से 60 पेशेंट मैं देख चुका हूँ यहाँ पे, और बाकी मेरे साथी डॉक्टर्स हैं, नंद किशोर जी दादी से, डॉक्टर MM मिश्रा जी हैं, सात लोग टीम है, सारे सब अच्छे पेशेंट देख रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। धन्यवाद सर। यहाँ पर आने वाले सभी इस कैंप की सराहना कर रहे हैं और इस पर विजिट कर रहे हैं। दधीमती माता जी के मंदिर में ये विशेष फ्री मेडिकल जो कैंप लगाया गया है देवेश जी के द्वारा। और ये देखिए सभी अपना BP और चेक करवा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हेल्थ के प्रति जागरूक रहना ज़रूरी है और इससे एक जागरूकता फैलाई जा रही है। डॉक्टर कविता जी दादीज जो कि यहाँ पर लगातार सेवाएं दे रही हैं, क्या कहेंगे मैडम आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, और जो पेशेंट यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो सलाह आप दे रहे हैं? हम यहाँ पे नॉर्मल रूटीन चेकअप कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड शुगर हो गया और BP वगैरह चेक कर रहे हैं, और उनको वैसे प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आगे जाने के लिए, और बस। और आने वाले सभी लोगों को सलाह दी जा रही है हेल्थ चेकअप की। और ये देखिए लोग दूर दूर से जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन यात्रियों का यहाँ पर फ्री में चेकअप किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, आयुर्वेदिक दवाएं भी दी जा रही है, BP शुगर जैसी जांचें यहाँ पर की जा रही है, और अलग अलग विधाओं के सभी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के द्वारा यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है। और DITF जिसके द्वारा यह मेडिकल कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है, और गोठ मांगलोद का ये दृश्य माता जी के मंदिर में प्रवेश करते ही, गोठ मांगलोद से माता जी के मंदिर में जहाँ दर्शनार्थी आ रहे हैं और उनको एक इस तरह की सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है कि सभी का फ्री में हेल्थ चेकअप हो रहा है, और MDM आयुर्वेदा भी यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर महेश जी मिश्रा मेरे साथ में हैं, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को, जिस तरह से लोगों में हेल्थ अवेयरनेस जो फैलाई जा रही है? जैसा कि हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम पातुरस्य विकार प्रशमनम च, तो हर व्यक्ति स्वस्थ रहे उसकी कामना करने के लिए महर्षि दधीची जो महादानी हुए थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी अस्थियों का दान जनहित के लिए दिया था, वही हमारा उद्देश्य है कि सबकी देह स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। हम उस दधीची ऋषि के वंशज हैं जो दूसरों के लिए अपना शरीर भी त्याग कर दिया, तो हम कम से कम स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद को लाए हैं, और आयुर्वेद पद्धति से सबका यहाँ पे निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की है, हमारी डॉक्टर्स की टीम बनाई है, और MDM आयुर्वेदा के नेतृत्व में, और DITF जो दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन है देवेश जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है अपन दोनों मिल करके और माता जी में स्टार्ट करते हैं। आज मातेश्वरी की कृपा से आज से हमने प्रारंभ किया है निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, ये गोठ मांगलोद माता से स्टार्ट किया है, आगे से आगे जहाँ भी कृपा होगी मातेश्वरी की तो जनहित के लिए हम यही कार्य करते रहेंगे। क्या कितना टारगेट रखा गया है, कितने लोगों को, जितने लोग आएंगे यहाँ पर? आज यहाँ हमारे 8 डॉक्टर्स आए हैं जिसमें सब पैतिक हैं, MBBS डॉक्टर हैं डॉक्टर मुरली मनोहर मिश्रा, और डॉक्टर ये हैं अपने कमलेश MD हैं आयुर्वेद से आए हैं, जयपुर से डॉक्टर आए हैं, बाकी सब डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो सारे डॉक्टरों की टीम मिला करके और जन स्वास्थ्य के लिए, तो आज लगभग कम से कम 8-10 हज़ार लोगों की चिकित्सा करने का हमारा लक्ष्य है, और सुबह से ही लोगों में बड़ा उत्साह है और बड़े उत्साहपूर्वक सभी लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं।
गोठ मांगलोद में श्री दधिमती माता जी के मंदिर में प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही बाएं हाथ की तरफ यहां प्रवेश द्वार के एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, फ्री मेडिकल कैंप, जो कि दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के द्वारा यहां पर आयोजित कार्यक्रम है। और सीए देवेश जी दादीज, जो कि संस्था के फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, जो लगातार न सिर्फ यहां पर मेडिकल कैंप लगाया है बल्कि और भी कई जो सामाजिक जागरूकता के जो कार्य हैं और बल्कि जो समाज की जो प्रतिभाएँ हैं उन्हें मंच देने का कोशिश वो लगातार करते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप जो समाज को जोड़ रहे हैं, युवाओं को मंच दे रहे हैं और आज यहाँ पर मेडिकल कैंप, देखिए ये संस्था जो है कोविड में शुरू हुई थी एंड यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने देखा था कि लेट नो क्राइसिस गो वेस्ट, उसी को देखते हुए जब ये सब लोग घर पे बैठ गए थे तब मैंने इसका सोचा कि क्यों नहीं अपने दादी युवाओं को जोड़ा जाए एंड उनको जोड़ने के बाद में उनकी जो बहुत यू कैन से जो टैलेंट है उनका उनका निखारा जाए करके। एंड देन इन दिस 3.5 ईयर्स वी हैव डन मोर देन 200 इवेंट्स, चाहे कंपटीशन ऑन पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, अपन दो बड़े कार्यक्रम भी करते हैं, सुर संगम और ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट भी, एंड इसमें विदेश और काफ़ी फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन आवर वेबिनार, 70 and more वेबिनार्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड स्पीकर्स अपने इस पर आए हुए हैं एंड मुझे बहुत खुशी है कि यंग पीपल हैव इसमें काफ़ी दिल से जुड़े हुए हैं एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट। अपना एक वो मंथली बुलेटिन भी है जितने अपने भिलवाड़ा की तरुणा दादी जी, शी इज़ द एडिटर, लगातार 2.5 ईयर से शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन डैट एंड थैंकफुल टू ऑल माई यूथ पीपल फॉर बिलीविंग मी एंड बिलीविंग माई विजन, थैंक यू। बिल्कुल, एक आपके विजन का आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ माता जी के मंदिर में लोग दर्शन के लिए वैसे भी आज विशेष रूप से ज़्यादा आ रहे हैं और आपने हेल्थ चेकअप का जो हेल्थ अवेयरनेस का जो आपने कार्यक्रम रखा है, किस तरह का ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हेल्थ अवेयरनेस का देखिए अपने तो वी नो कि हेल्थ इज़ वेल्थ। मुझे जब भी मेरा परिचय महजी से हुआ तो उनके संदर्भ में बोले, उन्होंने ये प्रेरणा दी कि क्यों नहीं अपन गोठ मांगलोद में किया जाए और मुझे इसके लिए ये अच्छा लगा कि यहाँ पर अपने कई लोग आने वाले हैं, क्यों नहीं इसका अपने लाभ दे, छोटा सा गांव भी है, गांव वालों को भी इसका फ़ायदा होगा एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माई डॉक्टर्स टीम जिन्होंने अपना पूरा कोऑपरेशन किया है एंड देर अपना अमूल्य समय यू विल से आज पूरे दिन उन्होंने अपना दिया। आज वो अपने प्रैक्टिस में रहते तो शायद वो कम आते हैं लेकिन आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने इस पर समय दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप लोगों का किया जा रहा है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो माता जी के दर्शनों के साथ साथ फ्री हेल्थ चेकअप का भी लाभ ले पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा एक माता जी का ये स्थान है और आज बड़ा मेला भी चल रहा है। आप कहाँ से हैं, थोड़ा पर्चे बताएं सर। मैं सुरेश कुदाल जालना से हूँ और DIFTF से जुड़े वाला हूँ पिछले 2 साल से और अभी ढालेगांव में एक प्रोग्राम करे थे हमने तो वहाँ पे पिक्चर बताए थे उन्होंने और हरदम बहुत सामाजिक कार्य में बहुत अग्रसर है वो। मैं जुड़ा हूँ उनसे और ऑल इंडिया में भी जहाँ भी देवी जी दादी का नाम निकलता चाहे वो सामाजिक कार्य में, क्योंकि आपने इतने जीवन के अंदर व्यस्त जीवन में टाइम निकालना समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं अपने समाज में मगर टाइम देना वो बहुत अमूल्य, समय दे नहीं सकता आदमी को, उन्होंने इतना दिए बहुत है। अभी ढालेगांव में भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो और उनको हमारे ये इसका कार्यक्रम के लिए माता जी के दरबार में बहुत बहुत शुभेच्छा मेरी तरफ से, हमारे जालना दायमा समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर, थोड़ा अपना परिचय बताएं। मैं राजेंद्र तिवारी जालना से। तो ये जो उपक्रम है इसकी तो कोई तारीफ कर ही नहीं सकते, मतलब शब्द नहीं है। समाज को इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है ऐसा। और जो दधीच ऋषि की जो प्रिंट वो पिक्चर बता रहे उससे सब लोगों को उसके बारे में जानकारी हो रही है, हमारे गुरु क्या थे, मतलब अभी जो नई जनरेशन है उनको जानकारी हो रही है, वो उन्हीं की राह पर चलेंगे। थोड़ा
सर से और बातचीत करते हैं। सर आपका परिचय? साहब मनोज डोबा हूँ, जालना से हूँ, महाराष्ट्र से। मैं पिक्चर के बारे में सुना हूँ, बढ़िया है एकदम पिक्चर, काफ़ी उसको अच्छा संदेश जाएगा सब में और अपने एकता में और चार चांद लग जाएंगे। और दादीज समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी दादीज कैंप पर पहुंचे हैं और परिचय ले रहे हैं सभी डॉक्टर्स से। DITF के द्वारा आयोजित यह मेडिकल लीफ कैंप जो आयोजित किया गया है, उनमें सभी डॉक्टर्स से परिचय ले रहे हैं। दादीज समाज के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी पहुंचे हैं और डॉक्टर महेश जी मिश्रा परिचय करवा रहे हैं सभी डॉक्टर्स का। सभी दादी समाज के वरिष्ठ जन कैंप पे यहाँ विजिट करने के लिए पहुँचे हैं। दादी समाज के अध्यक्ष हैं और जो विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, चाहे इस मंदिर समिति के प्रन्यास के जो अध्यक्ष हैं, सभी बड़े पदाधिकारी जो ऑल ओवर वर्ल्ड दादी समाज की सेवा में कार्य कर रहे हैं, सभी पहुँचे हैं। दादी समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी और समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा डॉक्टर्स का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर आरती मिश्रा का मोमेंटो देकर सम्मान किया जा रहा है। सभी दादी समाज के वरिष्ठ जन मौजूद हैं और MDM आयुर्वेदा की तरफ से भी गिफ्ट दिया जा रहा है। डॉक्टर मुरली मनोहर जी मिश्रा का सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो देकर, गेस्ट ऑफ ऑनर देकर दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के द्वारा समाज के अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ जन, और साथ में MDM का च्यवनप्राश गिफ्ट टेम्पर के रूप में डॉक्टर कविता जी दादीज का सम्मान किया जा रहा है। समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी, विष्णु जी दादीज, महेश जी और सभी वरिष्ठ जन, और इसी तरह से कैंप में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर कमलेश मिश्रा का सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो देकर, और डॉक्टर नंद किशोर जी दादीज का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर नंद किशोर जी दादीज का सम्मान किया जा रहा है। सभी डॉक्टर्स जो सेवाएं दे रहे हैं उनका सम्मान हो रहा है। डॉक्टर प्रतिभा दादीज का सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो देकर समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा। डॉक्टर प्रतिभा दादीज का सम्मान किया जा रहा है। कैंप में सेवाएं देने वाले सभी टीम का सम्मान हो रहा है। समाज के वरिष्ठ जन सभी मौजूद हैं, देवेश जी दादीज, लक्ष्मी नारायण जी अध्यक्ष, विष्णु जी सहित समाज के अनेक जगहों से पधारे हुए वरिष्ठ जन। MDM आयुर्वेदा जसवंतगढ़ की तरफ से महेश जी सम्मान कर रहे हैं च्यवनप्राश गिफ्ट हेम्पटर के रूप में। सभी आए हुए अतिथियों का, समाज के प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया जा रहा है गिफ्ट देकर और अपना परिचय बता रहे हैं। MDM आयुर्वेदा का एक हेल्थ परिचय बता रहे हैं। MDM आयुर्वेदा की तरफ से सभी समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जा रहा है। सभी समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान कर रहे हैं महेश जी। नवरात्रि के मौके पर माता जी के दिव्य स्थान, ऐतिहासिक स्थान पर एक मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल एडवाइस का कैंप यहां पर लगाया गया है DIFT के द्वारा, और जिस पर विजिट करने के लिए अभी पहुंचे हैं अखिल भारतीय दाइमा महासभा के दादीज, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण जी दादीज। क्या कहेंगे सर, इस तरह का जो प्रयास लोगों में एक हेल्थ अवेयरनेस भी फैलाना, और DIFT जो कि लगातार अलग अलग माध्यम से जो युवा प्रतिभाओं को मंच देने का काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं DIFT के पूरे ग्रुप और उनका जो संगठन है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे से संपर्क करके और इस तरह के कैंप का जो परमिशन समझिए या सलाह समझिए मांगी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने निसंकोच तुरंत प्रभाव से स्वीकार भी किया और ये कैंप लगाया। ये हमारा प्रारंभिक और प्रथम कैंप है, इसको हम क्या मूर्त रूप दे सकते हैं। हमारी आपस में बातचीत भी हुई है और भविष्य में हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनको अच्छा से अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध कराना हमारा काम है। बाकी सेवाएं इनकी हमारे को कहने की ज़रूरत नहीं, ये क्या सेवाएं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा दादी बंधु पूरे विश्व का ये जानता है, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से ये आगे बढ़े और महर्षि दधीची ने जो काम किया है उसके पद चिन्हों पर DIFT चल रहा है, मुझे गर्व भी है और खुशी भी है, मैं इनको
को धन्यवाद देता हूँ। आज जो सर मेडिकल कैंप जो लगाया गया है और जिसमें सैकड़ों लोगों ने आज लाभ भी लिया है, तो ये एक जो मेडिकल जो खास जो आज के समय में की ज़रूरत है उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि व्यक्ति जो परेशान रहते हैं बीमारी से या कोई भी मानसिकता से, अगर इस तरह के कैंपों में आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई से ही ठीक हो। डॉक्टर की सलाह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधी बीमारी और इन्होंने वो प्लेटफार्म डॉक्टरों का जो निःशुल्क उपलब्ध कराया वो इनका योगदान मैं समझता हूँ समाज के लिए अतुलनीय है। राजेश जी जोशी सीनियर एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं, सर क्या कहेंगे जो MDM आयुर्वेदा के द्वारा जो आयुर्वेद में जो जिस तरह का नवाचार किया जाए? देखो MDM का एक वाजीगर किट है जो सर्दी के अंदर पिछले 2 सालों से मैं उसका ले रहा हूँ। उसके लेने के इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। उसके लेने से मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ, उससे लेने से वीकनेस जाती है और ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और मैं ये कहूँगा सभी लोगों को इसको लेना चाहिए, विशेष रूप से सर्दी में लेना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। वैसे भी MDM के अदर प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, शुद्ध हैं, बिना मिलावट के हैं और ओरिजिनल है। और समाज के वरिष्ठ प्रबुद्ध जन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कैंप विजिट कर रहे हैं और अभी भी पहुँचे हैं। सालासर पुजारी परिवार के वरिष्ठ पुजारी महावीर जी पुजारी जो यहाँ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, सालासर बालाजी के वरिष्ठ पुजारी महावीर जी पुजारी अभी भी पहुँचे हैं और कैंप का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ दी जा रही सेवाओं का भी निरीक्षण कर रहे हैं। और CA दिवेश जी परिचय करवा रहे हैं और सभी डॉक्टर्स का परिचय ले रहे हैं। सभी डॉक्टर्स से परिचय ले रहे हैं और महावीर जी पुजारी का सम्मान किया जा रहा है, गेस्ट ऑफ ऑनर देवेश जी के द्वारा दिया जा रहा है। और कैंप में समाज के वरिष्ठ जन पहुँचे हैं, महावीर जी पुजारी और लक्ष्मी नारायण जी जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय, और सभी वरिष्ठ जनों का यहाँ पर सम्मान यहाँ पर किया गया, विजिट किया गया। दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप में पहुँचे हैं महावीर जी पुजारी आदरणीय जो कि सालासर बालाजी के वरिष्ठ पुजारी हैं, और आपने माता जी के दर्शन किए और आप यहाँ कैंप पे आपने विजिट किया, क्या कहेंगे आज का दिवस कितना महत्वपूर्ण है? मैं क्या कहूँ, ये मामला तो ऐसा है कि जितना भी जनहित का कार्य माता जी में किया जाता है इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक दादीज के हिस्से में एक एक पैसा आता है। जो भी यहाँ कार्य किया जाता है सकल समाज के हिस्से में आता है। तो मैं तो जो आभारी हूँ देवेश जी साहब का, यहाँ आ करके उन्होंने मुझसे बात की थी, तब तो मुझे पता नहीं था, पर यहाँ देखने के बाद मुझे अत्यंत खुशी हुई कि भगवती के आने वाले यात्रियों की सेवा होती है, समाज में उपस्थिति दर्ज होती है। सबसे बड़ी बात यह है, आप तो छुपे रुस्तम थे वहाँ बम्बई में प्रोग्राम करते, क्या मतलब तो ये समाज के बीच में आया करते हैं तो जानते हैं कि देवेश जी है। और ये देखिए समाज के वरिष्ठ जन जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका सभी का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय काम है समाज के लिए और समाज में एक पॉजिटिव छोड़ जाती है इसके लिए। अहमदाबाद के एक्स अध्यक्ष है, आज वो नहीं आए तो उनका ये मोमेंटम मैं इनको दे रहा हूँ ताकि वो उनको दे दे। वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ आवर DITF। गोठ मांगलोत श्री दधिमती माता जी के मंदिर में यहाँ आज नवरात्रों का जो मेला चल रहा है उसमें दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन DITF के द्वारा रिलीफ कैंप लगाया गया, एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें 7 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो कि अलग अलग विधाओं से डॉक्टर हैं, जिसमें MBBS भी हैं, आयुर्वेद भी है, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा यहां पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा की गई, उनको एक फ्री सलाह दी गई और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी यहाँ पर MDM आयुर्वेदा के द्वारा जो कि MDM आयुर्वेदा जो भी लगातार इसमें सहयोग कर रहा है जिसके द्वारा भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ पर दी गई और 7 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा डॉक्टरों ने यहाँ पर बैठकर सेवाएं दी, लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप किया। और CA देवेश जी दादीज जो कि इस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और इसके फाउंडर भी हैं, उनके द्वारा इस तरह का एक यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, ये खास कार्यक्रम गोठ मांगलोद माता जी से। मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ, आप सभी का धन्यवाद।